कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को अलग अलग स्थानों से 14 वर्षों से फरार 25,000 रुपए के इनामिया श्रीनिवास और गैंगस्टर एक्ट के आरोपित राहुल को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने अपने कार्यालय में मीडिया को बताया कि गाजीपुर जिले के मर्दा थाना क्षेत्र के बिजौरा के मूल निवासी श्रीनिवास पांडे उर्फ गुड्डू के खिलाफ 2008 में अपहरण SC ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था। श्रीनिवास का हाल पता दारानगर में है। वह करीब 14 साल से फरार था। पुलिस प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम घोषित किए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि वह कबीर चौरा अस्पताल गेट के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कोतवाली पुलिस ने दारानगर पेट्रोल पंप के पास से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। राहुल बदाऊं हरिजन बस्ती का निवासी है। उसके खिलाफ आदमपुर व कोतवाली थानों में लूट और गैंगस्टर समेत विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल राहुल आदमपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में वांछित था। PS कोतवाली धारा 363, 366, 379 IPC व 312 SC ST एक्ट में पिछले 14 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त, जिस पर 25,000 रुपये का नगद रिवार्ड भी है, श्रीनिवास पांडे उर्फ गुड्डू निवासी मर्दहा गाजीपुर को कोतवाली SHO और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 14 वर्षों से जो वांटेड चल रहा था, तो पूरी टीम 25,000 रुपए का रिवार्डी इनके द्वारा पकड़ा गया है। पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।